पेंगुइन्स। 1911 में किए गए एक एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन में डॉक्टर लाविक ने 3 महीनों तक पेंगुइन्स को स्टडी किया था। उनको ये देखने मिला कि पेंगुइन्स का सेक्सुअल बिहेवियर इतना भी इनोसेंट नहीं है जितना दिखता है। मेनली यंग मेल और फीमेल पेंगुइन्स जिनको पार्टनर नहीं मिले थे वो डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हुए दिखे और दूसरे पेंगुइन्स को थ्रेटन करके उनके साथ सेक्स करते थे और फ्रीक्वेंटली होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि पेंगुइन्स ट्रेड सेक्स फॉर अदर थिंग्स, जैसे कि सेक्स एक कॉमन करेंसी हो। अगर कभी ऐसा हो कि मेल पेंगुइन एक पार्टनर के लिए नेस्ट बना रहा है ताकि वो अपने पार्टनर के अंडे दे सके और नेस्ट के बिल्डिंग मटेरियल्स कम पड़ जाएं, तो फीमेल पेंगुइन खुद एक ऐसे मेल पेंगुइन के पास जाती है जिसके पास मटेरियल्स हो और उसके साथ सेक्स करती है और बदले में उसको अपने नेस्ट के लिए मटेरियल्स मिल जाते हैं। पेंगुइन्स भी गैंग्स में घूमते हैं। थेफ्ट और मर्डर के साथ वो अपनी गैंग को यूज करते हैं फीमेल पेंगुइन्स को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए। रिसर्चर्स मानते हैं कि असॉल्ट करते हैं टू एस्टैब्लिश पावर एंड रिस्पेक्ट।